गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरण कमलों से लिखा है कि साधक दिया ने मेरे भरिया हाथ साडे सिर ते रखा हो। गुरुदेव जी शब्द रूपी कदमां दा वकरी करदिया चरण कमलिया गुरु की अमृत फतेह द्वारा स्थान बनाइए। वाहेगुरु जी का खालसा तमाम दैवी शक्तियां दे सिरमौर सतगुरु गुरु हर
कॉन्फिडेंस टायर की मांग। गुरुदेवा का मतलब है जो तमाम दैवी शक्तियां भी जिन्हें रूप करके नमस्कार कर तमाम अनंत वैमंडल शक्तियां जिन्हें नमस्कार कर दिया ने उन्होंने देवा देवत्या के महादेव गुरुदेव गुरु तेग बहादुर आख्या गया भाव सारा ब्रह्मंड जिन्हों के कदम से झुकता है ये गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ये दैवी शक्तियां के सिरमौर पूजन योग सतगुरु पातशाह मेरे होर कुछ नहीं है कि मैं आपकी सेवा वास्ते अपनी कन्या भेटा कर मेरे होर कुछ नहीं है एक समझा मैं हित सेवा मैं हित करके स्नेह करके प्रेम करके गुरु पातशाह जी के घर कन्या भेटा की है एक मेरी कन्या है जिरा सारा हित आप जी की सेवा जुड़िया जो गुरु घर की सेवा चंगी तरह रोम रोम करके समर्पित है इसनों जलों भी देखा है आप जी के घर आ के बर्तना की सेवा झाड़ू की सेवा होर जो संगत की सेवा है उस मेरी बच्ची है अनुजा का मतलब मेरी पुत्री मैं हित सेवा ये मेरी सेवामयी हुई हुई बच्ची है दिन रात का हित सेवा बनिया रहता है पर मन कीन गुरदेवा इसने अपनी सेवा गुरु घर अर्पण की हुई है ये गुरुदेव पातशाह मैं कन्या आप जी की सेवा अर्पण कर मेरे को कुछ नहीं कहने भाई लाल चंद जी के नेत्रां तो अश्रु धारा वर्त गई बिशन गोयल संतकार अपनी सुपत्नी बेबे माता गुजरी साहिबा जी की सत्कार योग मां माता बिशन कौर जी हुए दीन सुभाग होता दोवां ने बड़े प्रेम नाल हाथ जोड़े दोवां दे नेत्रां विच जल सी ते दोवां ने बड़े अधीनगी सहित बड़ी निम्रता सहित महाराज नूं इह बोल आखे भाई लाल चंद जी ने तो महाराज के चरण भी पकड़ साहिब सच्चे पातशाह गणन ला के आखण लगे लाल चंद जी हुण तां साडा रिश्ता बराबर दा असी इको जे हो गए फर्क कोई नहीं है भावे थोड़ी पुत्री भावे मेरी पुत्री ते मेरा पुत्र श्री तेग बहादुर हुण तुहाडा पुत्र दोवां विच फर्क कोई नहीं है इनू भावे पुत्र समझ लो भावे दमाद साडी धी साडे घर विच आ गई ये क्यों कहते हो देर जोगे कुछ नहीं महाराज सच्चे पातशाह साची कर महाराज कह लगे असि लाल चंद जी खाली झोली लैके तुहाडे घर आए सी ते तुसी इस ब्रह्मंड का सब तो कीमती लाल साडी झोली विच पा तुसी तां दाते हुए असि लोड़वंद सी तुहाडे घर आए इस तरह सम्मान दे वचन चल रहे हैं कोई दीन सुभा बड़ी निम्रता नाल दोहर दियां ने श्री मात गुजरी साहिब जी दे माता जी अते सत्कारयोग पिता जी ने इस तरह आख्या अगो श्रवण करिए इस तरह सारे अखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज एक बारी फिर आखो जी महाराज सुन सतगुर भए कृपाला महाराज सच्चे पातशाह प्रेम जे बोल सुन के बहुत कृपा दे घर बड़ी मेहर की नजर नाल देखिया बहुत दया का सागर आपका हिरदा उमड़िया तुम दीनो सकल विशाला आखण लगे लाल चंद जी विशाल दान सानू दिता
इस वर्गा दान तो दुनिया के होर कोई नहीं, जो दान तुझी सानू दिता है संसार का ब्रह्मांड का सब तो कीमती रतन अपने मुकुट विचों कढ़ के साडी झोली विच पा दे। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਹਿਆ ਹੀ ਪੁੱਜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਹਿਣ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਭੇਟਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵਡਿਆ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
इस माता ने जो साडी सुरुखा नूह राणी बन के साडे घर विच आए ने, इन्होंने अपने महान बलिदानी दुष्ट दमन नूं जन्म दिता। इन्होंने पति शहीद होवण, इन्होंने चार पोतरे शहीद होवणगे, ते खालसा पंथ की सरजना हो गई। मतलब यह होता है कि
कि मैं इन्हां दे सारे दुख भोल के पी लै, इन्हां नूं दुख पाइना मां नूं पुत्तर नूं इस तरह सदके जगदी है और बड़े प्रेम नाल जिहड़ा जल है छक लिया अपने बच्चे गुरु तेग बहादुर साहिब दिया तो बलिहार जा रहे फुल रीत की गुरु दे मन नूं पौंदी जो माता नानकी जी दे मन नूं पौंदी हुण इत्थे ना सोच लैणा भई साडे कोई पौंदा होवेगा असी का माड़ा जिहा कोई इहो जिहा समा होवे कोई भंगड़े पाउण लग पै फिर गोलियां चलाउण लग पै फिर ढोल वजण लग पै और इस तरह की रीत मन भाई रीत ना ये रीत माता नानकी जी दे मन नूं पा सकती है ना ये रीत गुरु तेग बहादुर जी ने माता गुजरी साहिबा दे मन नूं पा सकती है ते ना ये रीत गुरु हरगोबिंद साहिब नूं पा सकती जिहड़ी गुरु नूं रीत पाउंदी है ओह तां सत संगत सतगुरु नूं सो पाउंदा सतगुरु दा जिस पाणा पा जिहड़ा गुरु दी रज़ा रहिंदा है उस नूं गुरु मेहर करके निवासी रखता है ते गुरु घर दी जिहड़ी मन पाउंदी रीत है ओह बाणी दे शब्द गाउणा ओह जाप करना है ओह सतगुरु दी उस्तत करना है इस तरह धन धन मात नानकी साहिबा नौ पुत्र नूं लै के महल दे अंदर आ गए और इस तरह के नाल धन की भरी हुई थैली पाव अनगिण गिणिया नहीं ओह धन अपनी सनुखा साडे माता गुजरी साहिबा की झोली च पा दिता अपने नूं माता गुजरी साहिबा जी का मुखड़ा देखिया बहुत सोहने पलक दे बिठाया धन धन मात गुजरी साहिबा मात नानकी दे अंदर लिया ते फिर बड़े सोहने पलक दे बिठाया गया और इस तरह के नाल तमाम मात नानकी जी दे सेवादार रूप संगतां बीबियां खुश हो रही नवी वोटी नूं देख के जिहड़ी आउंदी है ओह माता गुजरी जी दे झोली च सगन पाई जाए और कहिंदे पहली वारी इह सुणिया सी वी किसी दा मुखड़ा चरण वर्गा हो सकदा है पर नवी नूह नूं वेख के तां इंज लगदा है चंद ने सुंदरता इन्हां दे मुखड़े कोलों लई इतना सुहावना मुखड़ा है मस्तक नाम पाणी वाले डलका मारदा पिया चमक लिया होया चेहरा है बहुत अपने अपने रस्मां नाल सारे जिहड़े रिश्तेदार और होर आए ने ओह सलाह रहे हन जिहड़ी जोड़ी बनी उस वेले हले गुरता गद्दी ते नहीं करा श्री तेग बहादुर जी सारे कहते ते जो जोड़ी बनी है और इस तरह दे नाल पारनाथ परमेश्वर ने बड़े सोहना वेल कढ के जोड़ी बनाई बहुत महान जोड़ी है खानदान भी बड़े चंगे एक पासे भाई लाल चंद जी का खानदान एक पासे गुरु नानक का खानदान फिर सत संगत एक पासे बंदगी की मूरत माता गुजरी साहिबा एक पासे संसार के सब तो पूजनीय गुरु तेग बहादुर जोड़ी संसार से पड़ी जो पहले बंदगी पहले जन्मा की बंदगी हूं रिश्ता गुरु नाल बने फिर 26 साल बाबा बकाला साहिब बंदगी से चलती सेवा च खड़े रहे जोड़ी संसार से जे कोई है
ते भूत भविष्य वर्तमान विच और कोई जोड़ी नहीं है, एवढी केवल ते केवल जोड़ी माता गुजरी ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी। इसलिए सारे तारीफ करते पे भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, मैं यत्न किया कि व्याह का सारा प्रसंग सुना सका, वर्णन की न विसाला वो तो मैं इसमें बयान नहीं कर सकिया। बड़े सुफल सुख जाता जरा इसमें प्रेम नाल पढ़ेगा सुनेगा पूरा जीवन सफल सफल होएगा, ते व्यर्थ सुख ओदी झोली च पैण के सब मेल की तक तेरे पाछे। इस तरह बड़ा वड्डा मेल कुछ दिन होर तक करतारपुर साहब अजकल भी बड़े वड्डे पद्धर ते श्री गुरु तेग बहादुर माता गुजरी जी का विआह पुरब मनाया, ते मठियाइया दे ढेर लगे। मैं जब पहली दफा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भाई रणजीत सिंह जी जथेदार रणजीत सिंह जी कब मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬਾ ਬੁਗਾੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਭਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬੰਧੀ ਵਿਕਟ ਵਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਕਦੀ ਅੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਾਰੇ ਚਿਰਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਕਾ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਵਚਨ ਵੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਨ ਵਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰ ਬੜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਬੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਭੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪਰਸਪਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰ ਰਾਮਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਚਰੰਦੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਰਸਤੇ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਪਧਾਰੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਧਰਮਾਂ ਲੈ ਭਾਈ ਧਰਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਮਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰੀ ਹਨ
नमस्कार कीती है सब ऊपर तुसी बिसाला ते सारे ने दोए हाथ पैच करके ते सारे अगे खुशियां जान दी। एक बारी तुसी भी उस माहौल विच अपने सुरत नु लै चलो, नेत्र बंद कर ते देखो महाराज दोए हाथ उच्चे करके सानू भी असीसां दे रहे, सानू सब नु असीसां दे रहे। ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਜਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ
31 तारीख इस महीने की 31 तारीख तो लैके 5 नवंबर तक दरबार साहब श्री मंडी साहब गुरु रामदास महाराज जी ने हाजरिया भरिया। अज ही साढ़े सत्कारयोग जनरल सकत्तर हरिंदरजीत सिंह जी सब ने बैठे ने मैं कह लगे भी जो मर्जी हो उत्थे नागा नहीं बैठन दे भाग हो दीदार बनना सुभाग बनना है अरदास होती है श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान संगत का वड्डा इकट्ठ बनता है। जे कुछ ना मिलता हो लोग एक दो बार आगे दिल पासा बट करते पर रोज झोलियां भरते इसलिए रोज बरतना रोज वड्डे इकट्ठ रोज मेरा बरसदिया रहियां महाराज जी के दर्शन लाई हम वैसाखी हो दीप माला हो गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करना करतारपुर साहब आ रहे बहुत सारिया बेस कीमती वस्तुआ अर्पण करते हैं श्री महाराज जी के चरण कमलों से नमस्कार करते हैं कोई भावना कोई गहने नाना प्रकार के पिंडा करते अनेक तरह की अनेक प्रकार शस्त्र कोई वे वे तकड़े तकड़े भारे घोड़े अर्पण कर रहा है कोई धन अर्पण कर रहा है सारे मन दिया कामनावा महाराज को पूरी करवा रहे अज भी कर रहे महाराज जी खेड वरत रही है दूर दूर ते आवे दूर दूर को जिवे आप आए हुए हो इस तरह संगत आ रही सतगुर सिख जो और इस तरह के नाल बड़ा सोहना लगे भाई साहब जे सतगुर निज सुख जो है महाराज जी के घर निज सुख प्राप्त करते हैं पता है महाराज हर थान साडे सहायता करन लई आ जाते हैं कोई अपना दसवंत लिया के भेटा करता है कोई मंगता है महाराज मिल जाए मिल जाता फिर गुरु की मेहर बन जाती है परिवार वालों उन्होंने सपुत्र भाई गुरविंदर सिंह जी ने भी
गुरु साहब ने अपने तखत सामने बोर्ड का मैंबर की सेवा दे के नवाजा होया है। उन्होंने समागम गुरुद्वारा साहब चितकोड़ा रखे गए हैं। चितकोड़ा कॉलोनी है गुरसिखा की, गोविंद नगर की साहब कहते हैं। और इस घटना पहले उन्होंने ग्रह महाराज जी के सचे पंच पाठा की समापनता होगी। फिर दीवान जेड़े ने चितकोड़ा संगत के संगत जड़िया ने पहुंच के महाराज जी के अगण सेवक नद्रिया देने वास्त महाराज जी का सत्कार है। जो गुरु के सेवकों का सत्कार है गुरु साहब का ही सत्कार है। जरूर वध तो वगत पहुंचा बहुत प्रेम आप सब ने श्रवण किया है। इस वे बचन प्रवास करना वगन तक करता है। बाकी विचार आप कल श्रवण करोगे। बारंबार सब का हार्दिक तौर पर धनवाद उलझकों की कृपा। आओ सारे मिलके दो मिनट महामंत्र गुरमंत्र से जाप करिए। फिर अरदास से कृपा प्राप्त होवांगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चित आवे नानक नाम कृति का